नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बेखौफ अपराधियों दे रहा है लगातार आपराधिक घटनाओं का अंजाम। आपको बता दें कि ताजा मामला समस्तीपुर के विक्रमपुर बांदे पंचायत की है, जहां रंजीत कुमार को अपराधियों ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि बीते शाम के 5 बजे पड़ोस के ही चंदन कुमार ने रंजीत कुमार को घर से साथ में बुलाकर ले गया और उक्त घटना को अंजाम दे दिया। मृतक के परिजनों को जैसे ही किसी राहगीरों की मदद से पता चला कि पास के ही नदी किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, तभी उनके परिजनों ने घटनास्थल से उठाकर आनन फानन में सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल प्रशासन के पहल से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पुलिस छानबीन में जुटी है, सुराग मिलते ही कार्रवाई करेंगे। कुलदीप कुमार, मृतक परिजन, योगेंद्र कुमार, SP समस्तीपुर। जी बताएं क्या घटना हुई। पूरी घटना हुई यही हुआ कि कल मेरा भाई नहा धुला के कल खाना पीना खा के 5 बजे शाम में, और उसके बाद हमसे 100 रुपया मांगा कि भैया बिस्कुट ला, पैसा ला, बताए 100 रुपया। उसको हम पैसा दिए, बिस्कुट और खा के उसके बाद कपड़ा और पहन के जरना और सत दिया। उसके बाद जरना सतने के बाद उसको बुला के चंदन बुलाने आया, उसके बाद बुला के उसको ले गया, अब उधर मार करके नदी में फेंक दिया। उसके बाद वो अपना ऑटो से घर आया, घर आने के बाद अपना मंझला भाई के बोला कि रंजीत कैमरा से नैना हो गया, नदी में उसको छोड़ दिया कि ऑटो लेके घर लगा दिया और घर से फरार हो गया। उसके भाई अर्जुन और मोनू दोनों गया मेरा भाई के लाया यहाँ, तो नदी में मरा हुआ था। इसके बाद वो हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर। कितने बजे जानकारी मिली आपको? साढ़े सात बजे हम लोग गए वहाँ, तो उठा के उसको यहाँ से लाए, तो उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर बोला कि मर गया, शेष हो गया, घर ले जाए, तो घर लाए। उसके बाद शाम में 10 बजे प्रशासन आया, प्रशासन एक जीप आया तो देख के गया, तो फिर वहाँ से फिर 4 जीप प्रशासन आया, बड़ा बाबू के साथ आया, तो बड़ा बाबू इसको 3 बजे भोर में उसको 2 गो के पकड़ लिए थे। उसके बाद इसको ले गए वहाँ पोस्टमार्टम में ले गए, तो पोस्टमार्टम आज हुआ। उसके बाद मेरे भाई को आज भी आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, जिसका मृत्यु हो गया उसको रंजीत कुमार साहब। कल रात को ही हम लोग को एक सूचना आई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली हुई है, और एक टेम्पो की भी बात आई थी, तो तुरंत ही वहाँ पे थाने को भेजा था, STPO भी वहाँ पे गए थे। उस मृतक का सुबह पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसका इंक्वेस्ट भी हुआ है, और उसके परिजन जिस प्रकार से एप्लीकेशन लिख के देंगे उस प्रकार से हम लोग केस भी करेंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसको सुपरविजन के बाद जो भी उसमें निर्णय होगा।